2 लाख सोम में कटाया ते इंडिया दा हो गया जी 13-1400 रुपया। अमिताभ बच्चन इंदूस हां इंदूस शाहरुख खान मुसलमान मुसलमान नो सलमान खान मुसलमान अमिताभ बच्चन हिंदू अमिताभ बच्चन हिंदू यस। सो स्वागत आ जी एक होर नवे सफर दे विच। इस बार असी तुहानू घुमावांगे जी उज़्बेकिस्तान। सो ए मेरा हैगा जी दूसरा सोलो ट्रिप। चलो करदे आ जी शुरुआत इस नवे सफर दी। सो इस वक्त हैगा जी मैं दिल्ली एयरपोर्ट। इमीग्रेशन सिक्योरिटी ते बोर्डिंग पास मिल चुके आ। मैं जा रहा जी उज़्बेकिस्तान ताशकंद। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा मैं ऑनलाइन अप्लाई किया सीगा 3 दिन दे विच आ गया सीगा। बट दिल्ली जदों मैं एयरपोर्ट ते आया इंडिगो एयरलाइन दे काउंटर ते उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चैक किए जी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, फिर कितने जाके बोर्डिंग पास दिता। उस तो बाद मैं गया इमीग्रेशन। इमीग्रेशन से जाके भी उन्होंने बहुत सारी पूछताछ की, कितने रहोगे, किन्ने दिन च वापस आओगे, क्यों चले हो, मतलब कि बहुत क्वेश्चन पुट किए उन्होंने। तो चलो फाइनली इमीग्रेशन क्लीयर हो चुकी है, सिक्योरिटी क्लीयर हो चुकी है। फिलहाल 6 बजे ने ते फ्लाइट हैगी मेरी रात के 9 बजे। 3 घंटे आप एयरपोर्ट के टाइम पास करा। एयरपोर्ट से अज घट भीड़ है, फिलहाल 6 बज चुके हैं तो मैं थोड़ा बहुता कुछ खा के, क्योंकि मैं सवेर 9 बजे का खन्ने तो तुरै हुआ तो हूँ बज गए शाम के 6, कुछ भी नहीं खाधा सवेर का, थोड़ा जहा खा के चाह पी के मैं चलिया हूँ गेट वाल। मेरा गेट हैगा जी 14। गल सुन ललारी आवे। 2 घंटे हो गए मैं बैठे नूं, हले भी 1 घंटा पिया, 1 घंटे बाद बोर्डिंग शुरू होनी है। मैं तो बोर ही हो गया यार इत्थे बैठ के। वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल। रात दे 12 बज चुके ने, असी लैंड कर चुके हैं ताशकंद उज़्बेकिस्तान। इंडिया का टाइम इतों सिर्फ अद्धा घंटा अगे आ। सो इतें 12 बजे रात के, तो इंडिया बजे ने 12:30। सो हम आप बस च बह के इमीग्रेशन क्लीयर करते हैं। उज़्बेकिस्तान की एंट्री स्टैंप लग चुकी है, रात के बज चुके ने जी 12:30 बज चुके ने। मेरे ना कल्ली टी शर्ट पाई हुई है, सो रात में इतने बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती। लो जी लैंड कर चुके हैं ताशकंद सिटी, उज़्बेकिस्तान द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान ताशकंद। वेलकम टू द सिटी ऑफ वेरी इमोशनल पीपल। सो इमीग्रेशन क्लीयर हो गई जी, सिर्फ 2 मिनट लगे ने। उन्होंने सिर्फ वीज़ा चेक किया ते उस तो बाद उन्होंने स्टैंप ला दी जी। सो हुण मैं बैग की वेट कर रहा, मेरा बैग आ जाए बाहर। सो सिम तो नहीं मैं इतों लूँगा, मैं इतों जाने कि थोड़ी जी करंसी एक्सचेंज जरूर करवा लूँगा ता कि मैं बस या टैक्सी फड़ के अपने होस्टल चले जावा। इंडिया का टाइम इतने नालों 1/2 घंटा अगे है। सो हुण बैगेज कलैक्ट कर लीए तो बाद आप करते हैं जी एयरपोर्ट एग्जिट। करंसी एक्सचेंज कर लीए, लोकल करंसी ले लीए उज़्बेकिस्तान की। पूरे 1/2 घंटे बाद आया बैग। सो करंसी एक्सचेंज करा लीए जा फॉरेक्स चो कढ़ा लीए। कैश आपां कढ़ाउने आ 2 लख। यस 2 लख सोम कढ़ा लैने आ। ना भाई चलिया नहीं हैगा, चल पिया फॉरेक्स कार्ड चल पिया। सो इत्थों कढ़ाया जी आपां 2 लख सोम, देखदे आ किन्ने पैसे कटदे आ कार्ड दे विच्चों। सो आ की 1 नोट दिता इन्होंने 2 लख का, ये हैगा 2 लख का नोट। कार्ड चक लीए भाई, कार्ड भुले जाना सी। सो ये इतों की करंसी है, मैं फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया तो 2 लख सोम कढ़ा लिया। मैं इतने आके करंसी डाउन हो जाती है, बहुत डाउन आ इतों की करंसी। सो मेरे फॉरेक्स कार्ड के कटे गए हैं $16। 2 लख सोम मैं कढ़ाया तो इंडिया का हो गया जी 13-1400 रुपया। सो हुण आपां इह नोट लैके चलते हैं एयरपोर्ट एग्जिट करते हैं तो देखते हैं टैक्सी जां बस किन्ने दी मिलती है। एक चक्कर होर है हुण, नोट हैगा मेरे को 2 लख का, उम्मीद करते हैं भी यार टैक्सी ड्राइवर जां बस वाला खुला कर दे। मैं एयरपोर्ट एग्जिट कर चुके हैं, ये इत्थे दा एयरपोर्ट आ, बहुत छोटा जिहा एयरपोर्ट आ, सामने टैक्सिया ने। तो फिलहाल हुण मैं करन लग्गिया एग्जिट, देखते हैं इत्थों हुण मैं फड़नी आ बस, क्योंकि जिहड़े होस्टल वाले ने ना होस्टल वाले ने मैनू बस नंबर दसता सीगा ते एड्रैस दसता सीगा। तो हुण बस फाइंड आउट करिए आपां। बहुत छोटा एयरपोर्ट है यार ताशकंद का। सो एग्जिट करन लग्गे हूँ मैं, तो टैक्सियां तो खड़िया सीगियां वैसे, तो देखते हैं आप हूँ बस पता करिए। इस बार कोई काली नहीं करनी, ओमान वाला काम नहीं करना, टैक्सी ले ली जिहड़ा बंदा अगे मिल गया उही टैक्सी ले ली, ओमान दे विच तां चलो घपला हो गया सी। सो इत्थे अपने कोल खुला टाइम है, आप बस टाइम कढ़ के बस लभनी है। दैट्स इट। सलमान यू नो अमिताभ बच्चन शाहरुख खान। अमिताभ बच्चन इंदूस हां इंदूस शाहरुख खान मुसलमान मुसलमान नो सलमान खान मुसलमान
अमिताभ बच्चन हिंदू। अमिताभ बच्चन हिंदू। यस सो यू लाइक बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन हरोशी आर्टिस्ट किनो किनो किनो। सो जी रात दे वज चुके ने एक ते मैं एयरपोर्ट तो टैक्सी बुक कर ली अपने होस्टल वास्ते। एयरपोर्ट तो सिर्फ 4-5 किलोमीटर है। 2 लाख सोम मैं कढ़ाया सी, 80,000 सोम मांगते थे बट मैं बारगेनिंग करके इन्हों 50,000 च मना लिया। ट्रैवलिंग करते करते सीखते हैं, सो बारगेनिंग करोंगे तो सही है क्योंकि मैं होस्टल वाले ने पहले ही दसता सी भी एयरपोर्ट तो होस्टल इन्ने क पैसे लगने, सो उतों मैं आइडिया हो गया सी। सो डैट्स बाय इन्हों मैं 80,000 तो बारगेनिंग करके 50,000 ले आया। तो पहुँच चुके हैं मैं अपने होस्टल। ये सामने हैगा लाइट होस्टल, तो आखड़ी है टैक्सी। टैक्सी वाला अंदर हूँ लैन गया खुले। होस्टल है बड़ा खतरनाक जी जगह पर, सुन रैम्प आ, कोई बंदा नहीं दिख रहा। सो रिसेप्शन पर जाके हम आप पहला चेक इन करते हैं, बाकी गल करते हैं थोड़े नालों बाद चो। ताशकंद उज़्बेकिस्तान के वज चुके ने रात दे एक, तो मैं पहुँच गया अपने होस्टल। चेक इन मेरा हो चुके है। एयरपोर्ट तो सिर्फ 3-4 किलोमीटर ही सीगा साडा होस्टल। तो दी सब तो वधिया गल ये है जिहड़ा ताशकंद का एयरपोर्ट है वह सिटी के विचकार आ। सो एयरपोर्ट किसी भी जगह तो बहुत नेड़े पैंदा, तो टैक्सी के भी मैनू कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार मैं ओमान वाली गलती नहीं की, जिदा ओमान दे विच असी दोनों एयरपोर्ट तो बाहर निकले, जिहड़ा पहला बंदा मिलिया वह तो बिना पैसे पुछे असी टैक्सी के बह गए। तो एयरपोर्ट तो लैके होटल तक सानू 5-6 हज़ार रुपया पे करना पाया ओमान दे विच। इस बार मैं एक गलती नहीं की क्योंकि होस्टल वाले ने ना मैनू थोड़ा जिहा हिंट देता सीगा भी एयरपोर्ट तो होस्टल इन्नी दूर आ ते इन्ने पैसे लगणगे। पहला तो मैं बस लभण की कोशिश की बट बस मिली नहीं मैनू, टैक्सी उस रस्ते दे विच मिल गई। सो टैक्सी वाले ने मेरे तो मंगे सीगे 80,000-50,000 सोम दे विच डील डन की, तो इंडिया दा ओही तुसीं मान के चलो 300-400 रुपया। सो फॉरैक्स कार्ड दे विचों एयरपोर्ट तो मैं 2 लाख सोम कढ़वा ले सीगे, वह भी इन्ना शुक्र निकल गए। जे ना निकलते तो मैनू कैश दे विच बहुत दिक्कत आनी सीगी क्योंकि मेरे को USDO सीगे सारे, वह भी 100-100 दे, ते इन्हां ने तोड़ने सीगे। सो चलो हाल हूँ मैं जाके सौन लग्या क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। बाकी मिलते हैं तुहानू सवेरे दिने तुहानू सारी जानकारी। सो यह हैगा मेरा होस्टल। काफ़ी लोगों ने लिखा है और काफ़ी कुछ इत्थे की हैगी जी सिल्क रोड, पुरानी सब तो पुरानी सिल्क रोड उज़्बेकिस्तान। सो जी चलो तुहानू मैं अपना होस्टल का रूम दिखाऊंगा। सो यह हैगा मेरे होस्टल का रूम, यह हैगा मेरा परसनल बैड। सो इस रूम के टोटल 5 बैड ने, ते इत्थे 5 टूरिस्ट रहिंदे ने। सो होटल दा मेरा यह फस्ट टाइम एक्सपीरियंस आ क्योंकि हुण तक मैं जिन्ना भी ट्रैवल किया मैं ऑलवेज़ होटल दे विच ही स्टे कीती है। सो होस्टल दा मेरा यह पहला एक्सपीरियंस बहुत वधिया क्योंकि इत्थे तुहानू नवें नवें लोग वक् वक् देशों के लोग तुहानू आके मिलते हैं। सो आह आले दुआले तुसी जिन्नी भी ग्राफिटी जिहड़ा कुछ भी देख रहे हो, सो जिहड़ा भी इत्थे टूरिस्ट एक बार रुकिया वो हर बार अपनी कोई ना कोई निशानी लिखता, कोई अपनी कंट्री का नाम लिखता, कोई कोटेशन लिखता, कोई कुछ लिखता। सो ग्राउंड फ्लोर ते मेरा होस्टल सी, होस्टल रूम सीगा सॉरी, ते फस्ट फ्लोर दे उपर वॉशरूम, ते आ सारा कुछ देखो आ इंडिया दे जय हिंद जय भारत लिखिया होया। उरे अपने ना जदों भी मैं होस्टल दे विच रुकिया तां इत्थे मैनू बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स मिले। सो होस्टल पैंदा जी बहुत सस्ता जिहदे करके मोस्टली लोग होस्टल दे विच रहना प्रैफर करदे ने। सो ये भी मेरा फस्ट एक्सपीरियंस आ। सो ये तुसी कंधा दे उपर देख सकदे हो, खुश रहा करो यार, जिंदगी बहुत छोटी है। तो ऑलवेज़ मेरा भी मन करता सीगा भी मैं भी पेन दे नाल इत्थे कुछ लिखा बट मैनू मौका नहीं मिलिया। बट इत्थे जिन्हें भी हुण तक लोग रहे ने अलग अलग देशों तो आके इत्थे लोग रहिंदे ने, ते हर बंदा अपने कल्चर दे अनुसार अपने सभ्याचार दे अनुसार कंधा दे उत्ते लिखदा। सो इत्थे मैं पंजाबी दे विच भी लिखिया, अपने इंडियन बहुत लोगों ने इत्थे कंधा दे उत्ते लिखे होया। सो ये चीज़ होस्टल दे विच मैनू बहुत सोहनी लगी। सो उज़्बेकिस्तान दे विच ना एक बहुत फेमस सिल्क रोड है, उहदी पेंटिंग इत्थे बनी हुई है। तो आ देखो जी सिल्क रोड की पेंटिंग, ये बहुत पुराने जमाने तो बनी हुई है। इनू कहिंदे ने द सिल्क रोड, ये अपने आज़ादी तो पहला 100-200-300 साल पहला दी सिल्क रोड बनी हुई है, जिहड़ी यूनाइटेड किंगडम मतलब कि इंग्लैंड रशिया यानी कि पूरे मिडल ईस्ट नू यूरोप नू एशिया नू सारे देशों नू एक सड़क राही कनैक्ट करती सी। सो ये है जी वो सिल्क रोड।